हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र यादव। आप देख रहे हैं फिजिक्स फॉर्मेशन। आज की क्लास में हम देखेंगे आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में। बेसिकली ये पहला लेक्चर है, इसलिए हम आवेश के बारे में बात करेंगे और छोटी से छोटी बातें बात करेंगे। बेसिक बेसिक चीजों पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि आवेश होता क्या है दोस्तों, आवेश क्या होता है बच्चों, आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुणधर्म है। ये कोई चीज नहीं है। आवेश क्या है? उसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या है? मूलभूत गुणधर्म है। अगर हम आपसे पूछें कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? द्रव्यमान किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो सकता है? उसमें उपस्थित, उसमें निहित पदार्थ की मात्रा, यही तो है द्रव्यमान। द्रव्यमान का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है? नहीं है। क्या होगा? किसी भी पदार्थ की मूलभूत गुणधर्म है आवेश, जो कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकता है। बच्चों क्या करता है ये? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकता है। अनुभव के साथ साथ उत्पन्न भी कर सकता है। बच्चों समझ में आया? अगर हम आपसे पूछें कि द्रव्यमान और आवेश में फिर अंतर क्या है, दोनों के मूलभूत गुणधर्म है। द्रव्यमान भी क्या है? वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है जो उसमें उपस्थित निहित पदार्थ की मात्रा को बताता है। अगर हम आपसे पूछें द्रव्यमान और फिर आवेश में अंतर क्या हुआ, तो हम बताते हैं कि द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है दोस्तों। इधर हुआ आवेश, इधर हम लिखेंगे द्रव्यमान के बारे में। पहली बात तो डेफिनेशन में ही मैंने बताया कि है तो दोनों मूलभूत गुणधर्म ही, लेकिन यह बताता है वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकता है ये कौन? आवेश। और बच्चों द्रव्यमान क्या करता है? द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा को बताता है। निहित पदार्थ की मात्रा को बताता है, लेकिन है ये भी मूलभूत गुणधर्म। बच्चों समझ में आया? अगर हम दूसरा अंतर इसमें पूछें, तो दूसरा अंतर इसमें क्या हो सकता है बच्चों? ये हुआ पहला अंतर। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर किसी वस्तु में मास उपलब्ध है, किसी वस्तु में द्रव्यमान है, तो वो आवेशित हो सकती है। बच्चों समझ में आ रहा? मतलब कि जो आवेश है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सोचो अगर वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो क्या उस पर आवेश हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वस्तु में द्रव्यमान है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश हो। यानी कि ये द्रव्यमान आवेश पर निर्भर नहीं है। क्लियर बच्चों? तीसरी अगर हम बात करें, तो सोचो कि क्या मास जब हम स्थिर होते हैं तो, और जब हम गतिमान होते हैं तो क्या एक समान होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? आइंस्टीन ने बताया, एक सूत्र बताया, m बराबर m नॉट बटे रूट वन माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। क्या बताया? m बराबर m नॉट बटे रूट वन माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, फेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि जिस स्पीड से हम आगे जा रहे हैं वो है v। सी क्या है? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है सी। दोस्तों प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम किलोमीटर में कंसीडर करें तो नियर अबाउट हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना बच्चों? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया?
यानी कि जो मास है वो वेलोसिटी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन जो चार्ज है यह वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन मास वेलोसिटी पर निर्भर करता है। यही अंतर है दोनों में। अब आगे हम बात करेंगे, अगर ये निर्भर नहीं करता है, उसका मास निर्भर वेलोसिटी पे करता है लेकिन आवेश निर्भर वेलोसिटी पे नहीं करता है, लेकिन प्रॉपर्टीज आवेश की चेंज हो जाती हैं जब आवेश वेलोसिटी में चला जाता है। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है। पहली बात यह है बच्चों, जब आवेश रेस्ट पे होता है, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है, तो वह केवल आवेश जब स्थिर होता है तो वह केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र। और जब बच्चों ये गतिमान होता है एक समान वेग से, याद रखना, एक समान वेग से जब गतिमान होता है तो यह वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। समझ में आया? ये तो जब स्थिर है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जब एक समान चाल से गतिमान है तो चुंबकीय और वैद्युत दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, लेकिन जब असमान चाल से गतिमान है तब क्या होता है? असमान वेग से, असमान वेग का मतलब बच्चों क्या होता है? समान बदल, वेग बदल रहा है, यानी कि त्वरित है वो त्वरण उसमें आ गया है। तो जब बच्चों उसमें त्वरण आ जाता है तो क्या होता है? एक विकिरण भी उत्पन्न करता है वो साथ साथ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में क्या होता है? ऊर्जा विकिरित करता है। बच्चों क्या करता है? ऊर्जा विकिरित करता है, जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग। बच्चों क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको हम पढ़ेंगे अभी फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर में। बच्चों इतनी समझ में आई? अब देखते हैं कि दोनों उत्पन्न क्या क्या करते हैं। क्लियर? द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या करता है? द्रव्यमान के कारण होता है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न करता है। द्रव्यमान क्या करता है? द्रव्यमान ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है, और क्या कर सकता है? फील करता है, यानी कि महसूस करता है। कैसे? उदाहरण देखो, एक जैसे हम आपसे बात करें कि अपनी धरती है, पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न करती है। हम आपसे बात करें, क्यों करती है, क्यों उत्पन्न कर रही है? उत्तर क्या होगा? मास है इसके पास। हम अगर पृथ्वी पर खड़े हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मास है हमारे पास, द्रव्यमान है हमारे पास। अगर द्रव्यमान जीरो हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी प्रकार जो चार्ज है बच्चों, जो आवेश है, वो दो चीजें उत्पन्न भी करता है और दो चीजें महसूस भी करता है। कौन कौन सा? एक तो वैद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। क्या करता है बच्चों? महसूस भी करता है और उत्पन्न भी करता है। सेम वे ये उत्पन्न भी करेगा और महसूस भी करेगा। बच्चों समझ में आया? चार्ज क्या कर रहा है? ये वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब देखने वाली बात ये है कि ये कब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और कब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आगे आने वाले समय में हम सीखेंगे। वैद्युत क्षेत्र इसी में बात करेंगे हम, और चुंबकीय क्षेत्र की बात हम अगले चैप्टर्स में करेंगे।
क्लियर। अभी हम बेसिक चीजों पे बात कर रहे हैं कि ये बेसिक आवेश के क्या क्या गुण है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या, ये कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है। क्लियर, आइए देखते हैं बच्चों। जो आवेश है ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश। देखो बच्चों, जो आवेश है, आवेश ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। धनावेश को हम लिखते हैं पॉजिटिव यानी कि प्लस से, और ऋणावेश को हम लिखते हैं निगेटिव यानी कि माइनस से। बच्चों ये सोचो, आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक कैसे, किसने संकल्पना की है? एक हमने क्या किया, एक उदाहरण पढ़े अपने बुक में, कौन कौन से? जब किसी कलम को, पेन को बालों से रगड़ते हैं, उसके बाद एक कागज का टुकड़ा उस पर चिपक जाता है, होता है बच्चों? क्या होगा अगर हम उसी पेन को उसी कागज के टुकड़े से जस्ट थोड़ी देर के लिए सटा के रखें, चिपका के रखें, उसके बाद दोनों को अलग कर लें, अलग करने के बाद दोबारा उनको अगर चिपकाए तो क्या चिपकेगा? प्रयोग करना, नहीं चिपकता। क्यों? तो यह बताया गया कि जब हम बालों से रगड़ते हैं तो उस पर आ जाता है आवेश। क्लियर बच्चों? जब हम उसको चिपकाते हैं कागज के टुकड़े से तो कागज के टुकड़े पर विपरीत आवेश होने के कारण उस पर चिपक जाता है, लेकिन जब हम उनको आपस में चिपका कर रखते हैं, थोड़ी देर के लिए आपस में चिपका के रख देते हैं, तो क्या होता है, वो आवेश कैंसिल हो जाता है। आवेश क्या हो जाता है बच्चों? न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा गणित समझनी पड़ेगी। उन्होंने इसको गणित से कंपेयर किया, अपने वैज्ञानिकों ने कंपेयर किया कि अगर हम प्लस दो को माइनस दो से जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? जीरो। यानी कि किसी भी संख्या के परिमाण को उसके अपोजिट साइन वाली संख्या से अगर हम जोड़ते हैं, यानी कि अगर प्लस दो को माइनस दो से जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ जाता है? जीरो। उसी प्रकार उन्होंने सोचा कि हो सकता है एक पे प्लस का आवेश आया हो और दूसरे पे माइनस का। अगर प्लस वाले को माइनस के साथ हमने जुड़ा दिया, जोड़ दिया, उत्तर क्या आ गया? जीरो। तभी तो वो दोबारा क्या नहीं कर रहा है, उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा, उसको चिपका नहीं रहा है। वहीं से उन्होंने कल्पना की कि एक आवेश धनात्मक है और दूसरा आवेश ऋणात्मक है। बच्चों समझ में आया? क्लियर। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए इस पे। प्रयोगों में उन्होंने पाया कि अगर हम सेम प्रकार के दो आवेश को पास मिलाते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव आवेश, यानी कि इनको हम कहते हैं सजातीय आवेश। क्या कहेंगे बच्चों? सजातीय आवेश। हमने देखा कि जब सजातीय आवेशों को हम पास मिलाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके अपोजिट जब हमने एक पॉजिटिव को दूसरे निगेटिव के पास लाया, यानी कि अपोजिट चार्जेस को पास लेके आए, यानी कि अपोजिट को कहते हैं हिंदी में विजातीय। जब विजातीय आवेश पास लेके आए तो उनमें देखा गया कि वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह हो सकता है कि यह माइनस हो, ये प्लस हो, ये दोनों माइनस माइनस अगर होंगे तो ये क्या होगा बच्चों? प्रतिकर्षण। यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आई? अब हम देखते हैं कि आवेशों की संकल्पना कहां से हुई, आवेशों की संकल्पना कहां से हुई, ये चीज हम देखते हैं। देखो बच्चों, आवेशों की संकल्पना से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे ये परमाणु की संकल्पना कैसे होती। क्या देखेंगे बच्चों? परमाणु की संकल्पना कैसे होती। इससे पहले हम देखेंगे परमाणु कैसा होता है। बच्चों हमें परमाणु का फॉर्मेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि परमाणु क्या होता है। परमाणु के अंदर होता है नाभिक। नाभिक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों? इसमें बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और
न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा एक चीज आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि यार प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, करेंगे ना। अभी हमने पीछे देखा कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो क्या ये प्रोटॉन प्रोटॉन नाभिक को तोड़ के भाग जाएंगे? नहीं, ये बंधे होते हैं प्रबल नाभिकीय बल से। इस दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत बल कोई है अगर, तो वो है प्रबल नाभिकीय बल, उससे ये जुड़े होते हैं। ये कभी नाभिक को विखंडित नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? बाहर क्या होते हैं इनके, इलेक्ट्रॉन। यही तो है परमाणु की संकल्पना। परमाणु की संकल्पना क्या बच्चों? बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर प्रोटॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो यह परमाणु बच्चों उदासीन है। क्या है? उदासीन, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। जरा सोचो, अगर एक प्रोटॉन कम पड़ जाए, क्या हो जाए, एक प्रोटॉन कम पड़ जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कौन सा होता है? माइनस का। माइनस का चार्ज होता है, यानी कि इस परमाणु पे अब क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का आवेश आ जाएगा। लेकिन प्रोटॉन कभी नहीं जा सकता, जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। एक उदाहरण से समझते हैं, हम लेते हैं उदाहरण Na, सोडियम। आपने देखा होगा सोडियम का बच्चा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। कितना? 11। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। और Cl एक सुना होगा आपने, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, 17। हमेशा याद रखना बच्चों, जो भी परमाणु होगा, परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा या 8 रखेगा, 18 रखेगा, 32 रखेगा, ऐसे रखने की कोशिश करता है। अगर इससे कम ज्यादा है तो वो दूसरे परमाणु के साथ मिलकर बाहरी कक्षा में इतने ही इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करेगा। क्लियर है बच्चों? यानी कि इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, पहले अंदर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर बचे कितने, 8 2 10, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा बच्चों, पहले अंदर वाली कक्षा में हमेशा कितने होते हैं, 2, बाहर वाली कक्षा में कितने होंगे, 8, इसके बाद वाले में कितने होंगे, 18। 8 हो सकते हैं या 18 हो सकते हैं या फिर 2 ही हो सकते हैं। नहीं, सबसे अंदर वाली में तो 2 होंगे लेकिन बाहर वाली में मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 या 18 32, ऐसे, ठीक है। इसके कितने होंगे, 8। उसके बाद बचे कितने, 8 2 10, बचा कितना, 7। यानी कि इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। चाहिए कितने, मिनिमम रिक्वायरमेंट 8, इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट 8। यानी कि इसको अगर बाहर वाली कक्षा में अपना पूरे 8 करने हैं तो अगर इसके साथ मिल जाए जाकर तो क्या होगा, पूरे हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, देखो 7 1 8, और इसके भी कितने हो जाएंगे, 8, बराबर हो जाएंगे दोनों के। तो यही होता है बच्चों, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, क्लोरीन को। इसके पास पहले प्रोटॉन कितने थे बच्चों, जो प्रोटॉन थे वो थे 11, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। इसके पास प्रोटॉन कितने थे, कितने, 17। इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17। अभी क्या हुआ, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए ना, 18। यानी कि अभी, अब क्या हो गया बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। देखो अभी कितने बचे, 10, ये कितने हैं, 11। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। अब जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो प्रोटॉनों पर चार्ज कौन सा है, धनात्मक आवेश। जब प्रोटॉनों पर धनात्मक आवेश है तो इस परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाएगा बच्चों, धनात्मक आवेश, यानी कि यह धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनावेशित। यहीं से आवेश की संकल्पना होती है बच्चों। इधर क्या होगा, अभी तक 17 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव ऋणात्मक। यानी कि अब यह कैसा हो जाएगा,
ऋणावेशित। पहले ये उदासीन थे, आपस में दोनों उदासीन थे, लेकिन अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस पे चला गया, तब क्या हो गया, एक पर धनात्मक आवेश आ गया, दूसरे पर ऋणात्मक आवेश। बच्चों समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अगर हम आपसे पूछें कि क्या प्रोटॉनों से ट्रांसफर संभव है, या फिर आवेशों की संकल्पना क्या प्रोटॉनों के ट्रांसफर से की जा सकती है, आपका उत्तर क्या होगा? नहीं की जा सकती। क्यों? पहला रीजन तो मैंने बता दिया आपको कि ये प्रबल नाभिकीय बल से जुड़े होते हैं, कभी टूट नहीं सकते, तो क्या प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया ना। अब अगर हम दूसरी बात करें कि दूसरा रीजन क्या है, तो उसका जो दूसरा रीजन है बच्चों ये देखते हैं, दूसरा रीजन ये है, जो प्रोटॉन का मास होता है, जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, ये होता है 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बहुत ज्यादा, लगभग 2000 गुना, लगभग 1837 गुना ज्यादा होता है, इसलिए इनका ट्रांसफर नहीं होता। जो समझ में आ गया, ठीक है, आगे बात करते हैं हम आवेश के मात्रक की। किसकी बात करते हैं बच्चों? आवेश के मात्रक की। तो फिर हम देखेंगे आवेश का मात्रक। बच्चों आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12th, क्लास टेंथ में चैप्टर 12th पढ़ा था, क्या था? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था ना सर? याद नहीं है, याद करो उसको। उस पर एक सूत्र हमने पढ़ा था, Q बराबर IT या I बराबर Q बटे T, आपने पढ़ा था वहां पर। I बराबर वैद्युत धारा बराबर क्या था? आवेश प्रवाह की दर, या फिर एकांक समय में, क्या करते हैं हमेशा परिभाषा लिखने के लिए नीचे वाले को एक कर देते हैं, एकांक समय में, एकांक समय में ट्रांसफर हुआ आवेश क्या कहलाता है? वैद्युत धारा। वहां पे हमने बताया है, देखा नहीं आपने, कोई दिक्कत नहीं, इधर समझा देते हैं क्या होगा बच्चों। वहां पे एक सूत्र था, I बराबर Q बटे T, तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा? I into T, Q बराबर I into T। I का मात्रक क्या था बच्चों? धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। यानी कि इसका जो SI मात्रक है आवेश का, वो क्या है? एम्पियर सेकंड, या फिर इसको हम सीधा सीधा कह देते हैं कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? COULOM, कूलाम, ठीक है। एक कूलाम, ये एक बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का, बहुत बड़ा मात्रक। आवेश का बड़ा मात्रक हमें यूज नहीं करने, हमें छोटे छोटे मात्रक यूज करने, ये बहुत ही बड़ा मात्रक है, ठीक है। छोटे मात्रकों में हम कौन कौन सा यूज करते हैं? एक इसका और मात्रक है, स्टेट कूलाम। कौन सा मात्रक बच्चों? स्टेट कूलाम। एक स्टेट कूलाम बराबर होता है, एक स्टेट कूलाम बराबर 3 × 10⁻¹ कूलाम। कितना होता बच्चों? 3 × 10⁻¹ कूलाम। हम यूज करते हैं छोटा मात्रक, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पीको कूलाम, मिली कूलाम। बच्चों अच्छा, ये माइक्रो, नैनो, मिली, इनका हमेशा मतलब एक ही होता है। जैसे फिजिक्स में अगर हम लिखें माइक्रो, नैनो, पीको, मिली, इनका मतलब बच्चों हमेशा एक ही होगा। अगर कहीं पे माइक्रो लिखा है मतलब 10⁻⁶, अगर कहीं पे नैनो लिखा है मतलब 10⁻⁹, अगर कहीं पे पीको लिखा है मतलब 10⁻½, अगर कहीं पे मिली लिखा है मतलब 10⁻³। अब अगर हम आगे लिख दें इसके कूलाम, क्या लिख दें बच्चों? कूलाम। तो इधर भी क्या लिख देंगे? कूलाम।
समझ में है? अगर इधर लिख दें हम, अगर इधर लिख दें हम मीटर, तो इधर क्या लिख देंगे? मीटर। अगर इधर हम लिख दें सेकंड, तो इधर क्या लिख देंगे? सेकंड। मतलब कि इसका पर्टिकुलर मतलब होता है 10^-6। बच्चों अभी ये न्यूमेरिकल हम जब करेंगे ना, तो ये बहुत आएगा। माइक्रो कूलम लिखा होगा तो आपको लिखना पड़ेगा 10^-6 कूलम। तो समझ में आ गया, इतना इजी है, इनको रट लो, बिल्कुल याद कर लो, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं इसका योग कैसे होता है, आवेशों का योग कैसे होता है, आवेशों का योग। बच्चों हमेशा याद रखना कि जो आवेश हैं, हमेशा इनका बीज गणितीय योग होता है। क्या होता है? बीज गणितीय योग होता। अच्छा ये क्या है बीज गणितीय योग? क्या है? यानी कि ये जैसे हम लिखे हैं बीजगणित में, कैसे लिखते हैं? 2+3=5। इसी प्रकार होगा अगर 2 कूलाम + 3 कूलाम लिखे तो बराबर कितना हो जाएगा? 5 कूलाम। सिंपल। इसमें मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, साधारण गणित की तरह ही जुड़ते घटते हैं। अगर लिख दें +2 - 3, तो यह क्या हो जाएगा? -1। सेम तरीके से जैसे बीज गणित में हम गुणा जोड़ घटाना करते हैं, सेम तरीके से इसमें भी जोड़ घटाना होगा, जो क्लियर। यानी कि ये हमेशा चिन्ह सहित जुड़ते घटते। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आवेशों के योग के बाद हम देखेंगे आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या देखेंगे? आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण बच्चों क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज। बच्चों क्वांटाइजेशन का मतलब, अगर सिंपल एक भाषा में बात करें, क्वांटाइजेशन होता क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है पूर्ण संख्या। क्या बच्चों? पूर्ण संख्या। मतलब कि जो ये संख्या होगी, आवेश जो संख्या होगी, आवेशों का मतलब आवेश, आवेशों की जो संख्या होगी हमेशा पूर्ण नंबर होगी। जैसे कि 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। हम कभी ये नहीं होगी कि 1.2। सोचो आप मोबाइल लेने जा रहे हैं कहीं पे, बाहर गए शॉप पे मोबाइल लेने, आपने दुकानदार से क्या बोलोगे? भैया 1 मोबाइल दे दीजिए, भैया 2 मोबाइल दे दीजिए। भाई ये तो नहीं कहोगे भैया मुझे 1.37 मोबाइल दे दीजिए, नहीं बोलोगे ना। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा ट्रांसफर होगा तो 1 होगा, कभी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो समझ में आया? यानी कि जो खुद हो तुम, खुद कभी एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो पूरा एक एक जाओगे, ऐसा नहीं कि आधा पैर इधर रख के जा रहे, इधर आधा चले गए उधर, आधा इधर रह गए, नहीं। सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन है, एक पूरा पूरा ट्रांसफर होगा। प्रोटॉन है, एक पूरा पूरा ट्रांसफर होगा, लेकिन प्रोटॉन कभी ट्रांसफर होता नहीं, हमेशा ट्रांसफर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। पीछे बताया किस लिए? तो समझ में, यानी कि हम अगर कहें तो आवेशों का हमेशा और हमेशा पूर्ण नंबर में ही स्थानांतरण होता है, ये हमेशा पूर्ण नंबर में ही आते होते हैं। ये कभी 1.7 नहीं हो सकता, 3.2 नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? 1 सही है, 3 सही है, 5 सही है, 4 सही है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? अब जरा सोचते हैं हम, थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। क्या होगा अगर एक बॉडी है कोई, एक कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है, इस वस्तु में पहले उदासीन है। क्या है उदासीन? उदासीन का मतलब इस पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बच्चों समझ में आया? यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो वो उदासीन है, उस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर सोचो इस पे हम एक चार्ज दे दें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें बाहर से दे दें,
अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको हम बाहर से देंगे तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। किसका हो भी? माइनस का। तो इस बॉडी पे अब कितना चार्ज हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर हम देंगे तो इस पे चार्ज हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ माइनस का। अगर इस पे हम दो इलेक्ट्रॉन दे दें, एक इलेक्ट्रॉन और दे दें, तो क्या होगा? तो ये दो से गुणा हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। किसका? माइनस का। अगर हम तीन दे दें, एक और दे दें, तो क्या होगा? 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। इजी है। अगर इसको हम 10 दे दें, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻¹⁹ सोचो। ऐसे ही अगर हम इसको n इलेक्ट्रॉन दे दें, कितने दे दें? n इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा? n × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। किसका? माइनस का। सोचो, ये हम तब जब n देने की बात कर रहे हैं। अगर हम n ले लें वापस इससे, तब क्या होगा? ये प्लस का हो जाएगा। बस इतना ही सा तो अंतर है। क्यों प्लस का हो जाएगा? क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या बराबर रहेगी, वो उतने ही रहेंगे। मतलब कि प्रोटॉन इफेक्टिव हो जाएंगे उस पे और चार्ज धनात्मक हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला बच्चों? कि जो चार्ज हो रहा है वो जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही तो हो रहा है। यानी कि जो चार्ज हो रहा है, बच्चों देखो इधर, जो चार्ज हो रहा है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश एन ई। कितना हो रहा है? एन ई के बराबर ही हो रहा है। ये प्लस माइनस हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो माइनस में हो जाएगा। अगर उससे ले रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा। समझ में आया? कितना होगा? लेकिन एन ई के बराबर, जहां पर एन का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है, लेकिन कभी 0.5, 1.3, 2.5, 2.8 ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। बच्चों समझ में आया? यही है क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिक्स। यहां से हमें एक सूत्र मिल गया, Q बराबर एन ई। एक उदाहरण देखते हैं Q बराबर एन ई का। सोचिए, एग्जाम्पल देखते हैं कि जो एक पेन था, पेन को बालों में रगड़ने पर 1.12 × 10⁻¹⁹ कूलम आवेश आ जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ? यानी कि स्थानांतरण हुआ। क्या करेंगे आप? सिंपल यार, वही Q बराबर n इंटू ई। क्यू कितना है? हमें बताया गया है रगड़ने पर उस पर आवेश कितना आ जा रहा है। बता रहे हैं ना, सवाल क्या कह रहा? बालों जब हमने रगड़ा तो पेन पर आवेश कितना है? 1.12 × 10⁻¹⁹ बराबर। हमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मतलब n हमसे पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू e का मान कितना होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻¹⁹ यही होता है ना। इधर भेज दो बच्चों, क्या होगा? 1.12 × 10⁻¹⁹ / 1.6 × 10⁻¹⁹ 10⁻¹⁹ क्या हो गया बच्चों? कैंसल हो गया। एक अंक पहले दशमलव, इधर कितने अंक पहले? दो अंक पहले। क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट कट गया, 112/160। क्या यह संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे जो n का मान फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट वाला मान संभव नहीं है। यानी कि इस पे चार्ज कितना होना चाहिए? 11.2।
जब 11.2 आएगा तो क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा 16 छक्का 96 16 सत्ते 112, तब n बराबर 7 सही होगा। समझ में आ गया ना। आपसे ये भी पूछ सकता है क्या इतना आवेश इतने इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर में संभव है, आपकी बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है आपसे क्या इतना आवेश संभव है। अब देखेंगे n का मान निकालेंगे, अगर सही आता है तो संभव है, अगर गलत आता है 2/3 आता है, 5/4 आता है, 1.3 आता है तो क्या है, गलत है भाई। क्लियर है। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम क्या क्या देखेंगे, भी कूलाम का नियम देखेंगे और क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।